कर्मचारियों का उम्र 50 साल से ज्यादा हो गया है तो वैसे कर्मचारियों को बिहार सरकार अब हटाने जा रही है। तो एक तरफ सरकार 50 साल से ज्यादा उम्र वाले को जिनको काम नहीं बन पा रहा है, अपने कार्य में वह सक्षम नहीं है, वैसे कर्मचारियों को जहां सरकार हटाने का काम कर रही है तो वहीं जो रिटायर कर गए हैं उनको किसी और काम में लगाकर नियोजित के रूप में उनको कार्य दे रहे हैं। तो कह सकते हैं न जाने का गम न आने की खुशी, एक तरफ हटाने का गम और दूसरे तरफ जोड़ने की खुशी। तो यहां पर कह सकते हैं न जाने का गम और न आने की खुशी, आखिर सरकार क्या करना चाहती है। लेकिन वैसे शिक्षकों के लिए जिनकी नौकरी मात्र अब कुछ दिन बचे हैं, 50 साल पूरा हो गया है या नहीं भी हुआ है, 2 साल बच रहा है, तो उनके लिए भी टेंशन बन गया है। खासकर नियोजित शिक्षकों की अगर बात कर ले तो वे कह रहे हैं कि हम तो नियोजित थे, अब तक बहुत कम वेतन था, अब कुछ बड़ा है तो हम तो हमारे पास तो कुछ है भी नहीं, पेंशन वगैरह भी नहीं मिल पा रहा है, तो हमारी दिनचर्या जो हमारी परिवार की गाड़ी कैसे चल पाएगी। तो अब वैसे कर्मचारी आंदोलन के मूड में हैं जिनको नौकरी जाने की बात हो रही है। तो अब किस प्रकार से वो आंदोलन करते हैं वो तो आने वाला वक्त बताएगा। फिलहाल मैं अपना परिचय औपचारिक रूप से मैं दे देना चाह रहा हूं। मेरा नाम सुनील बोबी है और आप देख रहे हैं हमारे साथ मगध संवाद, इस समय आप देख रहे हैं। तो यह खबर हम आपको बताने जा रहे हैं कि बिहार सरकार के द्वारा बिहार के वैसे कर्मचारी जिनकी उम्र 50 साल से ज्यादा हो गया है, वैसे कर्मचारियों को छटनी करने के लिए, हटाने के लिए सरकार दो दो समितियां बना चुकी है और वो समिति जांच करेगी कि ये जो इनका 50 साल से ज्यादा उम्र हो गया है वो अपने कार्य करने में सक्षम है कि नहीं। अगर वो कार्य करने में सक्षम नहीं है तो उनको हटा दिया जाएगा। 10 वर्ष पहले हटा दिया जाएगा तो क्या सरकार उसकी भरपाई कर पाएगी? इस पर कोई नोटिफिकेशन जारी अभी सार्वजनिक रूप से नहीं किया गया है, जिसको लेकर कर्मचारियों में आक्रोश बना है कि 10 साल पहले बिहार सरकार हमें हटाएगी तो हमारे परिवार की गाड़ी आगे कैसे बढ़ेगी। टेंशन तो है लेकिन वह धीरे धीरे आक्रोशित होते जा रहे हैं। एकता के सूत्र में सभी कर्मचारी बढ़ने के मूड में हैं, चाहे वो कोई भी विभाग में हो, सभी एक मंच पर आने के मूड में हैं। अगर एक मंच पर आ जाते हैं तो बिहार सरकार के लिए टेंशन भी बन ही जाएंगे, यानी आंदोलन जो है एक विकराल रूप धारण होगा। अब वैसे ही लोग उसमें शामिल नहीं होंगे जिनका 50 वर्ष से ज्यादा उम्र हो गया है, जो अपने नानी के पुलिस विभाग में है और उनको शरीर कुछ मोटा ताजा हो गया है, वो बढ़िया से उनको नहीं बन पाता है, उनको तो टेंशन नहीं। लेकिन जो अभी 10 वर्ष उनको और बच रहा है, 15 वर्ष और बच रहा है, तो उनके साथ भी तो यही होगा। तो यानी कि जितने भी कर्मचारी हैं सब एकजुट हो जाएंगे तो सरकार के लिए टेंशन बनेगा। अब सरकार को हटाने से पहले यह भी सार्वजनिक कर देना चाहिए कि श्रीमान अगर हम आपको हटा रहे हैं 10 वर्ष की आपको भरपाई भी कर रहे हैं, भरपाई कितना हो रहा है, कैसे किस स्तर से कर रहे हैं, इसको भी सार्वजनिक करने की जरूरत है। अब देखिए कि कई विभागों से भी यह सूचना प्राप्त हो रही है कि अब कर्मचारी जो हैं आंदोलन करने के मूड में हैं। तो सरकार को भी सबसे पहले विभिन्न विभागों के जो संगठन है उनको बैठाकर तमाम चीजों को सार्वजनिक करना चाहिए, सबसे पहले उनको समझा देना चाहिए ताकि वह जो शिक्षक नहीं कोई भी संगठन के नेतृत्वकर्ता जो है वह अपने संगठन के लोगों को बता दे, यानी आक्रोशित होने की जरूरत नहीं है। लेकिन फिलहाल आक्रोशित होना भी उनके लिए जायज हो सकता है कि वह भी अप्रत्यक्ष रूप से जान नहीं रहे कि सरकार आज ही हमको हटा देगा, 50 साल पूरा हो गया है तो हमारा जो बाल परिवार है उनका भोजन कैसे चल पाएगा, हमारा घर गृहस्थी कैसे चल पाएगा, इन तमाम चीजों को लेकर उनके मन में शंका है, डर है, भय है और अंदर ही अंदर आक्रोशित भी हो रहे हैं। तो अब इस पर सरकार को पहल करनी चाहिए और समिति को भी इस पर रिपोर्ट देनी चाहिए कि इस तरह से पहले सार्वजनिक कर दिया जाए कि उनको हटाने का यह तात्पर्य है और हटाने से उनको घाटा नहीं बल्कि 10 साल पहले हटाया जा रहा है तो उसका भरपाई भी सरकार कर रही है। तो इस तरह की बातें सामने आ रही है। अब आंदोलन का रूप कब धारण करता है तो वक्त ही बताएगा। फिलहाल आप हमारे साथ बने रहें, वीडियो पसंद आया हो तो एक लाइक जरूर करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।